अरे हम दोस्तों स्वागत करता हूँ मेरे और एक न्यू वीडियो के साथ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ में होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों शिव पार्वती और गणेश भगवान जी बनाए थे उसी मूर्ति को आज कलर करना सीखेंगे तथा कलर पेंट करेंगे। तो दोस्तों इस मूर्ति को बनाने का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके एक बार जरूर देख लेना। तो दोस्तों अभी हम व्हाइट कलर से पेंट कर रहे हैं, इसी प्रकार से सब तरफ पेंट कर देंगे तीनों मूर्ति को तथा गणेश भगवान और शिव जी और पार्वती माता को भी इसी प्रकार से पेंट कर देंगे व्हाइट कलर से। मैंने बस पार्वती माता को ये कलर करके दिखाए हैं दोस्तों, इसी प्रकार से तीनों मूर्ति को कलर कर देंगे पहले व्हाइट कलर से। मैंने यहाँ पे बाल को छोड़कर पेंट किए हैं दोस्तों व्हाइट कलर, क्योंकि बालों पे ब्लैक कलर से पेंट करेंगे इसलिए वहाँ पर छोड़ दिए हैं। और दोस्तों अभी पार्वती माता को कलर करने के लिए दोस्तों कलर का मिक्स करके पेंट कर रहे हैं दोस्तों। पहले तो व्हाइट कलर थोड़ा ज़्यादा लेंगे और थोड़ा सा बस ऑरेंज कलर लेंगे और इसी को मिक्स करके दोस्तों कुछ इस प्रकार से शरीर में जहाँ जहाँ दिख रहे हैं वहाँ पे पेंट कर देंगे। और एक बात दोस्तों, थोड़ा बहुत भी हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे इसी प्रकार की मूर्ति मेकिंग वीडियो देखना चाहते या सीखना चाहते तो शरीर में पेंट कर देने के बाद अभी ब्लाउज पे दोस्तों ग्रीन कलर से पेंट कर रहे हैं। इसी प्रकार से दोस्तों ब्लाउज पेंट कर देने के बाद नीचे के साइड में भी एक बीच वाला भाग को पेंट कर देंगे ग्रीन कलर से कुछ इस प्रकार से। ग्रीन कलर से पेंट कर देने के बाद साड़ी पे दोस्तों रेड कलर से कुछ इस प्रकार से पेंट कर देंगे सारे तरफ। साड़ी में पेंट कर देने के बाद अभी जितने भी ज्वेलरी है वहाँ पे दोस्तों गोल्ड कलर से पेंट कर रहे हैं। मेरे पास तो ओरिजिनल गोल्ड कलर नहीं है दोस्तों, इसलिए मैंने येलो कलर को थोड़ा सा ब्राउन कलर से मिक्स करके कुछ इस प्रकार का कलर बना दिए तो इसी को हम ज्वेलरी पे पेंट कर रहे हैं। दोस्तों सारे ज्वेलरी को पेंट कर देने के बाद अभी पेंट कर रहे हैं बालों के ऊपर जो कि ब्लैक कलर से पेंट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। आप चाहो तो पहले ब्राउन कलर और ऊपर में ब्लैक कलर पेंट करेंगे तो और भी अच्छा दिखेगा और भी ज़्यादा रियलिस्टिक। मैं यहाँ पे सीधा ब्लैक कलर यूज़ कर रहा हूँ तो इसी प्रकार के से शिव जी के बाल को भी पेंट कर देंगे। दोस्तों शिव जी के बाल को पेंट कर देने के बाद अभी शिव जी के शरीर को पेंट करने के लिए दोस्तों पहले तो व्हाइट कलर थोड़ा ज़्यादा लेंगे और थोड़ा सा रेड और थोड़ा सा ब्लू कलर लेंगे तो कुछ इस प्रकार से मिला देंगे और इसी को हम शरीर पे पेंट कर देंगे दोस्तों, शिव जी के ऊपर अप्लाई कर देंगे तो इसी प्रकार से सारे तरफ पेंट कर देंगे शरीर में। चलिए थोड़ा फटाफट पेंट कर देते हैं। दोस्तों शरीर में पेंट कर देने के बाद अभी कमर बंधन की कपड़ा पे वहाँ पे रेड कलर पेंट कर दिए हैं दोस्तों और बाकी काल के ऊपर तो येलो कलर से पेंट कर देंगे कुछ इस प्रकार से और थोड़ा थोड़ा ऑरेंज को भी मिला देंगे तो और भी ज़्यादा निखर कर दिखाई देगा तो इसी प्रकार से पेंट कर देंगे दोस्तों बाकी काल के ऊपर। बाकी काल को पेंट कर देने के बाद अभी रुद्राक्ष माला को पे दोस्तों पेंट कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे
ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हैं या ब्लैक कलर। यहाँ पे मैंने यूज़ कर रहा हूँ नेवी रेड जो कि मिलता है, तो यहाँ पे दोस्तों उसी कलर को यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। कुछ इस प्रकार से वृक्ष पे पेंट कर दिए हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से पेंट कर देने के बाद अभी पेंट कर रहे हैं सांपों के ऊपर। सांपों के दोस्तों पेंट करने के लिए मैंने यूज़ किया है थोड़ा सा ब्लैक और थोड़ा सा ग्रीन कलर का, तो दोनों को मिक्स करके दोस्तों कुछ इस प्रकार का कलर बना दिया और उसी को सांप के ऊपर अप्लाई कर दिए हैं दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है सांप। तो इसी प्रकार से पेंट कर देने के बाद दोस्तों आंखों पे जो पेंट कर दिए थे शरीर का कलर, वहाँ पे दोस्तों पहले तो वाइट कलर से पेंट कर देंगे। और दोस्तों अभी हम गणेश भगवान जी को पेंट करेंगे, जैसे पार्वती माता को पेंट किए थे उसी प्रकार से पेंट करेंगे। तो चलिए बना देते हैं पहले। तो दोस्तों इसी प्रकार से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं मिलता हूँ आप लोग को वीडियो के अंत में। दोस्तों तीनों मूर्तियों की आंखों को भरा देने के बाद हमारा मूर्ति जो कम्प्लीट हो जाएगी दोस्तों। आई होप कि आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। और ये देख सकते हो दोस्तों फाइनल लुक।